दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 20 में एक हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जिसमें मां के साथ पार्क जा रहे 3.5 वर्ष के मासूम को तेज रफ्तार SUV ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया। घटनास्थल पर लगे CCTV कैमरे में हादसा कैद हो गया। मासूम के चाचा की शिकायत पर कोतवाली सेक्टर 20 पुलिस ने SUV चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर SUV कार को सीज कर लिया, लेकिन बच्चे के परिवार का कहना है कि पुलिस घटना में शामिल कार को न पकड़कर दूसरी कार को पकड़ा है, जिससे पुलिस महकमा में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस घटना में शामिल कार की तलाश कर रही है। मेरे साथ हुआ सर, मैं जा रहा हूँ बच्चा के पार्क झुलाने के लिए, झूला हम पीछे थे, दो डेग पीछे, बउआ आगे हो गया, पार्क के गेट पर खड़ा था, मम्मी के देख रहा था, गाड़ी वाला आया सर अगर मार के धक्का गिरा दिया, उसके बाद उसको चढ़ा दिया, चढ़ा के पार कर दिया, तनियो सीटी भी नहीं मारा, नहीं ब्रेक मारा सर। वहाँ पे जो लोग खड़े थे उन्होंने कोई आपकी मदद नहीं करी? कोई नहीं मदद की, नहीं कुछ, सटी चिल्ला रहे हैं, तब जाकर बिनो डॉक्टर के पास गए। गाड़ी पहचानी आपने क्या थी? पहचानी हल्का ब्लू शीशा लौका, पीछे से उतने स्पीड में तो मुड़ा दिया, तो हम बाबू के लेके गरजने लगे इधर, फिर गाड़ी नजर में पड़ा। और पुलिस से शिकायत करी आपने? पुलिस से भी शिकायत की है, गेट पर आए। कितने साल का बच्चा था आपका? कितने साल का बच्चा था आपका? बच्चा था 3.5 साल, लगता है 4 साल में 4 महीना कम हो रहा था सर। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने दर्दनाक हादसे की जांच शुरू की। घटनास्थल के आसपास के कई CCTV फुटेज देखने के बाद पुलिस को वाहन का नंबर मिल गया। इस आधार पर उसके मालिक के बारे में पता किया गया। पुलिस SUV के मालिक तक पहुंच गई। SUV चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। नोएडा से नवोदय टाइम्स के लिए अनिल चौधरी की रिपोर्ट।